हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हो कल मैं नर्सरी के लिए गया था, और नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि कल मैं नर्सरी के लिए गया था और बहुत नए नए कलेक्शन आए। बरसात शुरू होने वाला है, इसलिए बरसात के मौसम में क्या क्या प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं वो सारा कलेक्शन आपने नर्सरी में आ चुका है, और कौन सा नर्सरी टूर आएगा, किस नर्सरी में क्या प्लांट्स है, सारा इसी वीडियो में हम रिवील करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखो ताकि पूरा पकड़ जाए। सो गाइस, तो सबसे पहले प्लांट्स की शुरुआत होती है गुलाब से। पहले मैं आपको बता दूं कि गुलाब का नर्सरी टूर आएगा। मैंने दो तीन जगह गुलाब का टूर किया, जिसमें से मैं दो जगह का गुलाब आपको दिखाऊंगा और इनका डिटेल के साथ चलेंगे। तो अभी हम गुलाब का कलेक्शन देख लेते हैं, वेराइटीज़ देख लेते हैं। तीन चार पाँच कलर में आपको मिल जाएगा। मैंने चार पाँच कलर लाया जो कि रेगुलर कलर है, सबसे ज़्यादा चलने वाला रोज़। और सबसे बड़ी बात, रोज़ के जो फ्लावर है उसका साइज़ भी बड़ा है, ऐसा छोटा छोटा नहीं है, बड़े बड़े साइज़ का है और मीडियम साइज़ का है, दो टाइप का है। तो दोनों का नर्सरी टूर हम डालेंगे, तो अपडेट रहो। आगे क्या है वो भी दिखाता हूँ। और रेड कलर का, ऐसे पीला कलर का, सारा कली में और फ्रेश फ्रेश जा रहा है। आपको दो तीन ब्रांचेज इसमें रहेंगे, दो तीन कलियाँ भी है गुलाब में। मुझे तो बहुत अच्छा गुलाब मिला, मैंने लिया। आपको अगर चाहिए होलसेल में तो होलसेल में आप ले सकते हो, रिटेल में आप विजिट कर सकते हो। अभी पुणे के हर पार्ट में गुलाब आपको मिल जाएगा, किसी भी नर्सरी में गुलाब मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि पॉट वाला गुलाब, तो पॉट वाला भी गुलाब आपको मिल जाता है वहाँ। 6 इंच पॉट में भी रहेगा, 8 इंच पॉट में भी रहेगा। उसके बाद मोगरा भी रहेगा, मोगरा आपको उसी नर्सरी में मिल जाता है, एडिशनल प्लांट में आ जाते हैं। जहाँ गुलाब मिलेगा वहाँ आपको 90% चांस है कि मोगरा भी मिल जाएगा। मोगरा दोनों टाइप के हैं और बुसी प्लांट, काफ़ी अच्छा फ्लावर पूरे लगे हुए बैग में। सबसे ज़्यादा मोगरा बैग में चलता है, पॉट में मोगरा बहुत कम चलता है। इसके बाद तुलसी मुझे पसंद आया एक जगह, जो कि तुलसी जो ओरिजिनल तुलसी है वो सब हम रेगुलर लाते हैं, ये सब रिटेल शॉप है, रखना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा बेलपत्र का, ये आपको बालाजी में कॉस्टली पड़ेगा, उसी के अपेक्षा अगर कंपेयर कर तो दूसरे नर्सरी में तो आपको सस्ता पड़ेगा, ये है हाइट कम रहेगा। लिम्बू क्रोटन, ये सबसे कम दाम में मिलने वाला शोपीस का प्लांट, ये इसी को आप बोल सकते हो। वाइट मिलीबग से बचा लिया तो प्लांट संभल जाता है। नेक्स्ट चंपा का अगर आप बोलो तो सीजन आ गया है बहुत, तो चंपा में अगर थोड़ा सा ठीक से फर्टिलाइज करते हो तो आप फूल लग जाएंगे। तो गुलाब वाले नर्सरी टूर में मैं चंपा भी आपको दिखाऊंगा, अपडेट रहो, वेट करो। देखो इसमें भी कलियां लगी है, फूल लगे हैं, एक दो फ्लावर ब्लूम हुए हैं और बिना ग्राफ्ट का किया हुआ भी फिर भी फूल है। उसके बाद जूही आपको उसी टूर में मिल जाएगा। जूही अभी सबसे ज़्यादा टाइम चल रहा है, सबसे अच्छे स्मेल में अगर बोलूँ तो जूही का प्लांट लोग प्रीफर कर रहे हैं। वेल जाता है बस, ये खासियत है, नहीं तो स्मेल बहुत अच्छा आता है। एरिका पाम का दो तीन जगह मिला, लेकिन एक जगह जो कि बालाजी है थोड़ा महंगा आपको मिल रहा है, यानी कि 4 इंच के पॉट में लगा है, थोड़ा भूसी भी नहीं है, पर प्लांट का प्राइस महंगा है। तो आप प्रीफर करो कि छोटे नर्सरी से अगर मिल जाए तो ले लो बैग वाला ही। उसके बाद नींबू का, जो ग्राफ्टेड नींबू है वो लगा हुआ मिला हमको, देखो ग्राफ्ट किया हुआ नींबू है, और 4-5-8 हज़ार नींबू का भी फल भी लगा हुआ है, देखो फल लगे हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि फल लगा तो चलो कोई काम का है। नेक्स्ट हमारा मनी प्लांट एक नर्सरी मिला, जिसमें काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिलता है, टाइम मिलने पर मैं उसका भी अपडेट कर दूंगा। एरिका पाम वहीं से मिला, बड़ा हाइट का है, कम से कम 6 फुट तक का होगा और 10 इंच पॉट में लगे हैं, काफ़ी बोल सकते हो ऑलमोस्ट बूसी प्लांट है। ये मनी प्लांट हमने बालाजी से लिया, इसका टूर आएगा। बालाजी और कृपा दोनों का मैं अपडेट कर रहा हूँ इस बार। इसमें क्या किया है, दो दो तीन तीन कलर लगा दिए। पहले ये बालाजी बहुत बेचता था, अभी फिर से शुरू हुआ है, चेंज पॉट रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्रोटन में पेट्रा को बोलूँ तो पेट्रा आपको मिल जाएगा उसी नर्सरी में जिसमें बड़े वाला पाम लाया, तो वो मिलने वाला प्लांट सब है। जब हम अपडेट करेंगे तो आपको सब प्लांट दिखाएंगे, रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा यहाँ। उसके बाद ये भी एक, इसका नाम मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं बोलूँ तो सबसे हार्डी प्लांट में आता है मनी प्लांट। ये सारा हैंगिंग प्लांट जितना भी हमने लाया सब उसी नर्सरी से लाया,
बहुतों कलेक्शन है, बहुत बड़ी भी नर्सरी है, तो टाइम नहीं मिलने के कारण, टाइम मिला तो नेक्स्ट टाइम अपडेट करेंगे, काफ़ी ज़रूरत का है प्लांट वो। उसके बाद जामिया मैंने वहीं से लाया, जामिया का देखो अब बताओ कैसा है प्लांट, ठीक ठाक लगा तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर मनी प्लांट का छोटे पॉट में भी है, बड़े पॉट में भी है, हैंगिंग में भी है, इवन बैग में भी है, मतलब चारों क्वालिटी से बनाया हुआ प्लांट है, इसके कारण लोगों को हर प्राइस में मिल जाता है। स्पाइडर प्लांट मुझे हैंगिंग में मिला, बैग में भी मिल जाएगा, गुलाब वाला में भी दिखाऊंगा मैं आपको, देखो पूरा हैंगिंग में। उसी प्लांट बोल सकते हो, तीन तीन प्लांट लगाए हैं। फन का हमको मिला, यही फन का जाना आपको कृपा और बालाजी में बहुत कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन ये सब में आपको सस्ते पड़ जाएंगे, थोड़ा सा कम क्वालिटी रहता है। कलंचू का स्टार्ट हो चुका है, अभी बोलूँ तो कृपा में खाली है, वो भी ज़्यादा कलर नहीं है, ऑरेंज रहेगा, पिंक रहेगा बस, रेड है बहुत कम, लेकिन फिर भी सेलिंग पूरा फास्ट है। इसके बाद कलतिया हमने लाया, वहीं से कृपा से ले लिया था, अच्छी क्वालिटी में मुझे दिखा, मेरा फेवरेट सबसे अच्छा प्लांट अगर देखने में लगता है तो यही लगता है, शानदार लीव्स में, बेस्ट एयर फ्रेशर है, इंडोर में सर्वाइव सबसे अच्छा कर जाता है, ब्राइट लाइट कभी कभी चाहिए इसको, पानी कम बोले या ज़्यादा से उतना मतलब नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा तो देखना पड़ता है आपको कि ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद मधुकामिनी जो कि स्मेल वाले फ्लावर में फेमस है, ये आपको मिल जाएगा, एक गुलाब वाली नर्सरी है, जमा काली नर्सरी, उसके रास्ते में ही अब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, उसका मैं इस पर शेयर कर रहा हूँ, तो वेट करो गुलाब वाले टूर के लिए। देखो पूरा फ्रेश झा रहा है, बहुत अच्छी स्मेल रहती है इसको, यही एक फूल है जिसको आप तोड़ नहीं पाएंगे। तो ये हमारा आज का कलेक्शन था, आपको ये वीडियो और हमारा कलेक्शन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओगे, चैनल कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।